अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप सबके साथ शबनम तारिक और आप सब देख रहे हैं शबनम का किचन। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के मेन्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खुश खुरम होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे और अल्लाह पाक आपको अपने हफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि तरबूज का जो शरबत है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये मैंने तरबूज डाला है ब्लेंडर में और मैं इसको भी ब्लेंड करूँगी। ठीक है जी, ये मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हुए, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये रिवर्स देखिए देखिए, बिस्मिल्लाह, ये थोड़ा सा मैंने ये डाला, ठीक है जी। अब मैं इसमें सेवन अप डालूंगी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये आप जरूर पीजिएगा, गोदे में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके पीने से आपको ठंडक मिलेगी, दिन भर की जो वीकनेस है वो खत्म हो जाएगी। और इसमें ये पत्ते डाल दें, ये पुदीने के पत्ते आप ये रख लीजिए साथ, ये भी अच्छी और हाजमे वाली चीज़ है और आपको इसका हाजमा भी ठीक होगा और ताकत भी मिलेगी इससे। पुदीना बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें, ये था व्यूअर्स आज का ये शरबत। देखिएगा व्यूअर्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। आज हमने आपको बनाना सिखाया वाटरमेलन जूस, और ये ज़रूर पीजिएगा और इसका मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है, झटपट बन जाता है, तो आप ज़रूर पीजिएगा इसका। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का व्लॉग वाटरमेलन जूस। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके बहुत ज़्यादा प्यार के साथ अल्लाह ने कहा।